वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन गलवान वैली। गलवान वैली के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। गलवान वैली गलवान नदी के आसपास के एरिया, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसको हम गलवान घाटी कहते हैं। इसका कुछ भाग चाइना में है और कुछ भाग इंडिया में। ये वो पॉइंट है जहाँ पर 15 जून 2020 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। ये वो एरिया है जहाँ पर जब गलवान नदी बहती हुई आती है तो यहाँ पर जो श्योक नदी, जो ये बह रही है, यहाँ पर आके श्योक नदी में मिल जाती है। यहाँ पर इंडियन आर्मी का बेस कैंप है। ये DBO रोड है। ये 250 किलोमीटर लंबी रोड है। इसका फुल फॉर्म है दौलत बेग ओलीडी रोड। गलवान घाटी का नाम रसूल गलवान के नाम से पड़ा था, जिनके बारे में इतिहासकार ये कहते हैं कि 1890 में उन्होंने गलवान घाटी की खोज की थी। और इस एरिए में अक्साई चिन्ह है, जो अक्साई चिन्ह एक मरुस्थल है, जिस जो कहा जाता है कि ये नमक का मरुस्थल है। गलवान घाटी की जो पहाड़ियां हैं उनको फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के नाम से जाना जाता है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। गलवान वैली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ऑप्शंस आर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका आंसर है बी, लद्दाख। गलवान वैली इंडो चाइना बॉर्डर के बीच में लद्दाख और अक्साई चिन के बीच में स्थित। सेकेंड, पंगोंग लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? सिक्किम, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर है बी, लद्दाख। गलवान रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ट्रिब्यूटरी का मतलब किसकी सहायक नदी है? सतलुज, गंगा, इंडस, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी, इंडस। इसको सिंधु नदी भी कहा जाता है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच होकर बहती है। When did गलवान वैली डिस्प्यूट स्टार्ट विद इंडिया एंड चाइना इन 2020? ऑप्शंस हैं 1 जून 2020, 15 जून 2020, 14 जून 2020, 16 जून 2020। गैस कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर है बी, 15 जून 2020। इन विच कन्वेंशन मैकमोहन लाइन केम इनटू एग्जिस्टेंस? ऑप्शंस हैं शिमला कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, ताशकंद डिक्लेरेशन या जिनेवा प्रोटोकॉल। इसका आंसर है ए, शिमला कन्वेंशन। मैकमोहन लाइन तिब्बत और ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटीज के बीच में 1914 में शिमला समझौते के तहत मार्क की गई थी, लेकिन चाइना इस ट्रीटी को नहीं मानता, क्योंकि उनका कहना है कि उस वक्त जो तिब्बत था वो सोवरीन अथॉरिटी नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्यूट साइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना? ढोकलाम, गलवान वैली, देपसंग प्लेन्स, लिपू लेक पास। तो इसका आंसर है लिपू लेक पास। लिपू लेक पास इंडिया और नेपाल के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना? ऑप्शंस हैं चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ इसका जो लैंड बॉर्डर है वो सबसे बड़ा है, जो कि 4096 किलोमीटर लंबा है। Which of the following country does not have a maritime border with India? Maritime का मीनिंग है समुद्री मार्ग। चाइना, सेकंड ऑप्शन म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका आंसर है ए, चाइना। चाइना के साथ हमारा कोई भी मैरीटाइम बॉर्डर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर्स टेक केयर ऑफ लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड
चाइना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, शस्त्र सीमा बल, इंडो तिबेतियन बॉर्डर फोर्स एंड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसका आंसर है इंडो तिबेतियन बॉर्डर पुलिस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉर्डर दैट इंडिया शेयर्स विद चाइना? ऑप्शंस हैं 3400 किलोमीटर, 3450 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3490 किलोमीटर। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। विच इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद चाइना? ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऑल द अबव। तो इसका आंसर है ऑल द अबव। हाउ मेनी इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड इन गलवान वैली इन जून 2020 क्लैश विद चाइना? ऑप्शंस हैं 20, 30, 24 या 25। इसका आंसर है ए 20। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।